नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट मिक्स फ्रूट जूस। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक पाइनएप्पल जो कि पका हुआ था, उसको मैंने अच्छे से साफ़ करके पील करके स्लाइस कर लिया है। एक हम वीडियो डालेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे किस तरीके से बड़ी ही आसानी से पाइनएप्पल को छीला जा सकता है। उसके बाद हमने लिए हैं कुछ पुदीने की पत्तियाँ, उसको अच्छे से धो कर के साफ़ कर लें। पुदीना डालने से जूस में बहुत ही फ्रेश स्वाद आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो अगर आपके पास है तो ज़रूर इस्तेमाल करें। पाइनएप्पल को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। फिर उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे 5-6 संतरे, उनको धो लें और फिर उसके छिलके उतार दें। फ्रूट्स की संख्या आप कम या ज़्यादा अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 5-6 स्ट्रॉबेरीज ली हैं। बेरीज डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मेरे पास कुछ रास्पबेरीज भी थी तो एक हैंडफुल मैंने रास्पबेरीज भी लिया है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सेव लिया है। फिर चाट मसाला ले आधी छोटी चम्मच, और हमने यहाँ पे लिया है काला नमक एक छोटी चम्मच। कलर अच्छा डालने के लिए एक छोटा सा पीस बीटरूट का लिया है मैंने। आप चाहे तो, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर एक एक करके सारे फलों को जूसर में डालते जाएं। पुदीने की पत्तियां भी डाल दें और फिर जूस में एक एक करके सारे पीसेस को मैंने डाला। अगर आपके पास कोल्ड प्रेस जूसर है तो उससे बहुत अच्छा जूस निकलता है, हमारा वेस्टेज कम होता है और जूस की क्वांटिटी ज़्यादा निकलती है। सेंट्रीफ्यूगल से काफ़ी फास्ट होता है, लेकिन कोल्ड प्रेस जूसर में हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स बरकरार रहते हैं। बीटरूट अगर आपके पास है तो यूज़ करें, इससे बड़ा सुंदर कलर आता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो हमारा सारा जूस यहाँ पे निकल गया है। अब फिर हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला और ब्लैक सॉल्ट, फिर इसको मिक्स कर लें और इसको ताज़ा ताज़ा पिए, बहुत बढ़िया लगता है। बिल्कुल ठेले जैसा स्वाद आता है, स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से हमारा मिक्स फ्रूट जूस तैयार हुआ। इसमें आप अपना वेरिएशंस कर सकते हैं, जो भी फ्रूट्स आपको पसंद है आप उसको ऐड कर सकते हैं इसमें, और ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखते रहिए। थैंक यू।